हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ड्राइंग्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं विदाउट फिक्सेटिव। तो ये एक बहुत ही इजी टेक्निक है और इसमें आपके 2 रुपए से भी कम खर्च होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि क्या क्या करने से आप अपने ड्राइंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक ऑयल पेस्टल ड्राइंग है और मैंने पिछले वीडियो में इस ड्राइंग को बनाया था। मैंने आउटडोर जाके ड्राइंग बनाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको टच कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत कलर लिफ्ट हो रहा है, जैसे कि पेस्टल में होता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए फेविकॉल और एक फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश ही आप लेना, राउंड ब्रश मत लेना। तो मैं यहाँ पे एक कटोरी ले रहा हूँ और अभी मैं उसमें फेविकॉल को डालूंगा। अभी मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना कि अगर आप 1 टीस्पून फेविकॉल डालें तो 2 टीस्पून पानी लगेगा, और यही प्रोपोर्शन आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और मैं इसे अभी मिला रहा हूँ ब्रश से। तो इसको अभी मैं इस ड्राइंग के ऊपर अप्लाई कर दूँगा। तो मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ। और इस मिक्सचर को आपको एक ही बार अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि एक बार सूख जाए फिर आप दूसरी बार अप्लाई करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो मैंने इसे अप्लाई कर दिया है और अब मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगा। तो अगर आपका मिक्सर सही नहीं बना या फिर आपने बहुत लेयर दे दिए, एक बार सूख गया फिर उसके बाद एक लेयर दिया, तो आपका पेंटिंग में कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। अब अगर आप थोड़ा स्क्रब करेंगे तो ये ऐसे उठाएगा चमड़ी की तरह। तो मैंने जैसा बताया, 1 टीस्पून फेविकॉल और 2 टीस्पून वाटर का प्रोपोर्शन आपको जस्ट मेंटेन करना है, ठीक है? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी मैं इसे इस चारकोल ड्राइंग पर अप्लाई करूँगा और देखूँगा ये कैसे काम करता है। तो मैं इस ड्राइंग के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ लाइटली। और मैंने इस पे भी अप्लाई कर दिया है, तो अभी मैं इसको भी सूखने के लिए छोड़ दूंगा। तो जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि फिक्सेटिव कुछ ऐसा दिखता है और काफ़ी ब्रांड इसे बनाती है, अलग अलग ब्रांड का मिलता है ये। और इसे कुछ इस तरह से अप्लाई किया जाता है। ये मेरा ही ड्राइंग है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सूख चुका है और सूखने के बाद कुछ ऐसा बना। तो मैं इसे स्क्रब करता हूँ और आप देख सकते हैं कलर भी नहीं लिफ्ट हुआ और मेरा लेयर भी लिफ्ट नहीं हुआ चमड़ी की तरह। और ये रहा मेरा चारकोल ड्राइंग, ये भी सूख चुका है और आप देख सकते हैं कोई भी डैमेज नहीं हुआ, बिल्कुल क्लीन है पहले जैसा था। और मैं इसे भी स्क्रब कर रहा हूँ थोड़ा और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में चारकोल लिफ्ट नहीं हुआ। तो ये काम करता है। तो यही था आज का वीडियो और मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप फिक्सेटिव के बिना अपने ड्राइंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस ऐसे इजी वे में। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसको ऑयल पेस्टल, ग्राफाइट, चारकोल सभी ड्राइंग्स में यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ सॉफ्ट पेस्टल को छोड़ के, क्योंकि सॉफ्ट पेस्टल एक डस्टी मीडियम होता है और अगर उसमें आप वाटर अप्लाई करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो आप सॉफ्ट पेस्टल को छोड़ के इन तीनों मीडियम में आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे नए वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।